अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए ब्लॉग के साथ असदुल्ला खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अपने चैनल आउट ऑफ होम पे आपको मैं वेलकम करता हूँ। अच्छा, ये बावलपुर सीरीज़ अभी जो चल रही है, सीरीज़ तो बेसिकली कोई पूरी पाकिस्तान की है, मतलब पंजाब भी है उसमें, केपी के भी है, बट अभी इस टाइम पर मैं बावलपुर में मौजूद हूँ। आप जिसको जिस जगह पर लेके जा रहा हूँ वो बहुत ही रिलीजियस और एक ऐसी जगह है कि जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ और वो आपको ये बोर्ड पर दिख रही होगी। माशाल्लाह, यहाँ पे सहाबी रसूल, इन लोगों की, इनके मज़ार हैं, इनकी कब्रें मुबारक है। तो मुझे पता चला था, ये मैं आपको बता दूँ, मुझे जब यहाँ के बारे में एक पता चला, मेरे जो दोस्त हैं शौकत, उनसे मुझे पता चला और उसके बाद मुझे यहाँ के लोकल से मुझे पता चला था कि यहाँ पर सहाबी रसूल की कब्रें हैं। तो मैंने सोचा था कि जब मैं बावलपुर आऊँगा तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगा। और आप एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं इन कब्रों के लिए स्पेशली बावलपुर मैंने मतलब यूँ किया कि आना ही आना है। तो चलें, मैं आपको उनके मज़ार पर लेके चलता हूँ आपको। विवद हम लोग पहुंच चुके हैं और इनके श्राइन पर। ये बेसिकली चार सहाबा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार सहाबा जो यहाँ पर मदफून हैं। और ये आपको बताता चलूँ कि ये किला दरावड़ के बिल्कुल पास जगह है और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसकी लोकेशन भी दे दूँगा। और ये देखें, यहाँ पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार रफका जो उस टाइम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम के बाद पूरी दुनिया में जिनको रवाना किया इस्लाम की बीच के लिए, तो वो जब पाकिस्तान में भी आए और यहाँ पर हमारे पंजाब में ये बहावलपुर के, ये जो मैं बहावलपुर कहता हूँ, खास जगह का भी कोई नाम होगा, तो ये यहाँ पर चोलिस्तान में ये। हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जव्वार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जव्वाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन चार की यहाँ पर कब्र मुबारक है। मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर पा रहा,
व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। मैंने आपको बहुत ही यूनिक एक जगह का मैंने आपको ये टूर किया मैंने और आपको व्लॉग में दिखाया कि सहाबा इकराम की कब्रें, ये ऐसी जगह। सच्ची बात है, पाकिस्तान में भी मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला था कि इस तरीके से और सहाबा इकराम भी हैं। वो जो ठठा में हैं, जो सहाबी रसूल मदफून हैं, मेरे ख्याल में तो मुझे था कि एक ही हैं, बट ये पता चला कि यहाँ पर भी हैं चार सहाबी रसूल एक साथ यहाँ पर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद भी विज़िट करूं और आपको दिखाऊं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल आउट ऑफ होम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियोस देखते रहें। और ये सिलसिला अभी चल ही रहा है और इंशाल्लाह मैं आपको अभी और भी बहुत कुछ दिखाऊँगा इस सीरीज़ में। तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।